हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। तो जिसका नोटिफिकेशन आया हुआ है इस समय, और इसे आप सरकारी रिजल्ट पे जाके देख सकते हैं। और सरकारी रिजल्ट पे हम हरियाणा SI का फॉर्म ओपन करेंगे यहाँ से, और जो आप वीडियो में देख सकते हैं जो प्रोसेस है, और इसमें आप सारा डिटेल्स इसका फॉर्म के बारे में जो दिया हुआ है आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और आइए देखते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, और यहाँ से आप अगर रजिस्टर्ड नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप फॉर्म को रजिस्टर्ड करेंगे, और अगर फॉर्म रजिस्टर्ड हुआ है तो आप लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं पहले स्टेप से करती हूँ, तो मैं अपने आप को रजिस्टर्ड करती हूँ। तो हमने रजिस्टर पे क्लिक किया, अब यहाँ से हमको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और इसे कंटिन्यू करने के बाद आप सारे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। और इसे पढ़ने के बाद आपको एक घोषणा पत्र दिया हुआ है जिस पे आप प्रोसीड करना है खुद को, और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। तो अब ये आपका फॉर्म ओपन हो चुका है जिसमें आपको अपने सारे डिटेल्स फिल करने हैं। तो अब आप इसमें अपना नाम लिखेंगे, जो आप अपने नाम के आगे लगाते हो, मिस्टर, मिसेज, मिस, जो भी। उसके बाद अपना नेम मेंशन करेंगे, और अब आप अपना जेंडर करेंगे, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जो मैं ऑलरेडी फिल कर चुकी हूँ, तो ये मेरा फिल किया हुआ फाइल शो हो रहा है। और आपको यहाँ पे एक अपना पासवर्ड बनाना है जिसे आप लॉगिन आईडी पे लॉगिन करेंगे। तो आप एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं अपना, और यहाँ पे आपको अपना एक क्वेश्चन चूज करना है जिसका आगे आपको आंसर देना है। जनरल सा क्वेश्चन है जो सिलेक्टेड है यहाँ से, तो उसे आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जिसका आंसर देना। अब यहाँ पे आप जवाब देंगे इसका, और फिर आगे रजिस्टर्ड करना है खुद को। तो अब ये हमने रजिस्टर्ड कर लिया है, अब ये नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ रहा है फॉर्म। तो आप यहाँ से अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं, या लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके। तो ये मैंने प्रिंट आउट ले लिया है, अब मैं इसे सेव कर लूँगी, जिससे मैं बाद में अपना लॉगिन करने के लिए मुझे इसके डिटेल्स की ज़रूरत होगी तो मैं इसे लॉगिन कर सकती हूँ वहाँ से, या आप इसको कॉपी पेस्ट करके भी डायरेक्ट लॉगिन आईडी पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, बट सेव करना भी ज़रूरी है। तो अब यहाँ से हम लॉगिन आईडी पे आएंगे, अब यहाँ से हम लॉगिन आईडी डालेंगे, और उसके बाद फिर हम प्रोसेस करेंगे। लॉगिन आईडी पे ये लॉगिन आईडी डालने के बाद हम नेक्स्ट आईडी पर प्रोसेस करने के बाद पासवर्ड अब हम डालेंगे, और नीचे वेरिफिकेशन कोड इंटर करेंगे। अब ये हो गया, आप अपना पासवर्ड सेव भी कर सकते हैं यहाँ से। अब लॉगिन हो गए हम फर्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल देना है यहाँ से। तो आप भी यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप पे अपना सारा डिटेल डालिए जो आपका सेव किया हुआ था पहले फॉर्म में, जो भरा गया था वो अभी आपके डिटेल्स आ गए जो हमने रजिस्टर करते टाइम डाला था। अब आगे नेक्स्ट हम अपना जो डिटेल्स बचे हुए हैं उसे फिल करेंगे, जैसे नेशनलिटी, और जो आपका जो भी डिटेल बचे हुए थे उसे हम फिल करेंगे यहाँ पे। अब सेकेंड हम अपना एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, तो ये प्रोसेस है, आप देखते जाइए, और जैसे जैसे आप फॉर्म में आगे बढ़ते जाएंगे ये प्रोसेस आते जाएंगे, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ऐसे। ये आपको कैटेगरी चूज करनी है, आपको अपना रिलीजन से चूज़ करना है, यहाँ पे NCC का प्रमाण पत्र है या नहीं ये सेव करना है, आपको डिसेबिलिटी शो हो रही है तो आप अगर अदर स्टेट के हैं तो आपको वहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा,
तो आपको ये सब देख के भरना है। अब आगे आप इसे सेव करके जाएंगे तो आपको ये आएगा क्लास का, 10th क्लास का फॉर्म, इस पे आपको अपने सारे डिटेल फिल करने हैं, 10th के मार्कशीट, और ये कि आपको आपने कहाँ से किस कंट्री से पास किया है, कौन से स्टेट से पास किया है, आपका बोर्ड क्या रहा है, आपका स्कूल क्या रहा है, आपका रोल नंबर, आपकी परसेंटेज, आपके मार्क्स, एवरीथिंग आपको इसमें सेव करना है। और जब ये आपने फिल कर लिया है तो आप इसे ऐसे सेव कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे जांच भी सकते हैं, साइड में दिया हुआ है सर्च करने का ऑप्शन, जहाँ से आप अपने इसको जांच कर सकते हैं। और अब ये सेकेंड 12th का भी आपको सेम प्रोसेस है, जैसे आपने 10th का किया है उसी तरीके से आपको 12th का भी सारे डिटेल फिल करने हैं। और ये फिल करने के बाद आपको ऐसे सेव कर लेना है। और इसी तरीके से आपको आपके ग्रेजुएशन की डिग्री भी ऐसे ही फिल करनी है। कि आपने किस कंट्री से पास किया है, कौन सा स्टेट है, बोर्ड क्या है, कॉलेज नेम क्या है, तो आपको सारे डिटेल, अपना रोल नंबर, अपना पासिंग ईयर, एवरीथिंग आपको फिल करके सेव कर लेना है। और आपका, आपके पास अगर एक्स्ट्रा डिग्री है ग्रेजुएशन या पीजी का या और कोई एक्स्ट्रा डिग्री, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से सारे डिटेल ऐड करने के बाद आप ऐसे सेव कर सकते हैं इसे। अब मैंने डिटेल फिल करके सेव कर लिया है, अब हम इसे चेक भी कर सकते हैं आगे से। अब ये फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आया है, और फोटो और सिग्नेचर पे जैसा कि ये इमेज में दिया हुआ है कि आपको फोटो के ऊपर नेम और डेट ये ऐड होना चाहिए, और फोटो आपका रिसेंट का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। अब ये मैंने फोटो सिग्नेचर आपका 150 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये मैंने अपना फोटो सिग्नेचर ऐड कर दिया है इसमें। और अब हम इसे सेव करेंगे, तो सेव एंड प्रोसेस पे गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेव एंड प्रोसेस, अभी आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने फिल किए हुए हैं वो यहाँ पे आ गए हैं, जिसे आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा डिटेल अपलोड किया है। तो अब मैं अपने सारे डिटेल्स को, जो मेरे 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पीजी के डिटेल्स मैंने डाले हुए थे वो मैंने अपलोड कर लिया है। और अब हम इसे, इस प्रोसेस को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब प्रोसीड करेंगे यहाँ से खुद को, ये यह हम यहाँ से अपना मार्कशीट चेक कर सकते हैं कि हमने जो चीज़ें फिल की हुई हैं वो करेक्ट फाइल फिल किया है या कोई रॉन्ग फाइल तो नहीं फिल हो गया है, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं इसे। अभी मैंने चेक कर लिया है सब, तो मेरे सारे करेक्ट फाइल फिल किए हैं, तो अब मैं आगे बढ़ूँगी। अब ये आया सेकंड स्टेप, मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पे मेरे सारे डिटेल्स कंप्लीटेड दिखा रहे हैं, तो इसमें आपको आगे नेक्स्ट बढ़ना है। अब यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं, या प्रोफाइल सेव होने के बाद आप यहाँ से प्रिंट डिक्लेरेशन का फॉर्म आएगा, तो आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म प्रिंट करना है और इसको आपका प्रिंट आउट निकाल के
उस पे सिग्नेचर करके, फिर आपको उसे एक स्कैन करके, फिर आपको वो डिक्लेरेशन फॉर्म ऐड करना है इसमें, नेक्स्ट स्टेप पे दिया है। तो मैंने डिक्लेरेशन फॉर्म प्रिंट कर लिया है और सेव कर लिया है। ये मेरा प्रोफाइल फॉर्म है, जो डिटेल मैंने अब तक डाले हुए हैं, फिल किए हैं, वो सारा प्रोफाइल पे शो कर रहा है मेरे। तो आप इसमें जांच कर ले कि आपने कोई गलत डिटेल तो नहीं डाला है, जिसे आप अभी सुधार कर सकते हैं। बाद में भी फॉर्म में सुधार का डेट दिया हुआ है, आगे ऑप्शन आएगा तो आप तब भी कर सकते हैं, या अभी ही चेक करें तो आपको बाद में सुधार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डिक्लेरेशन फॉर्म मैंने प्रिंट कर लिया है और इसका प्रिंट आउट निकाल के, सिग्नेचर करके और स्कैन करके मैंने पहले से सेव कर रखा है। तो मैंने अब इसे मैं ऐड करूँगी इसमें अपने डिक्लेरेशन फॉर्म को। इसे आप PDF पेज में या फिर JPG में ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसे मैंने अपलोड कर दिया है। अब इसे आप यहाँ से जांच कर सकते हैं। अब अप्लाई टू पोस्ट करना है कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने इसमें फीमेल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो हम यहाँ पे जाएंगे अप्लाई, और उसके बाद ओके करना है हमें। यहाँ से ओके करें। उसके बाद आ गया है कि आप कौन से पोस्ट के लिए क्या अप्लाई करने चाहते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें है, आपके हाइट के बारे में दिया हुआ है। गर्ल्स के लिए चेस्ट नॉट रिक्वायरमेंट होता है, तो आप अपना हाइट, जो आपकी हाइट है, उसमें यहाँ से फिल करेंगे आप अपनी हाइट का, फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अभी आ गए हम फोर्थ स्टेप की तरफ। अब यहाँ से आप व्यू प्रोफाइल कीजिए और अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, जो आपने डिटेल फिल किए हुए हैं अब तक। इसे आप प्रिंट करके सेव कर लीजिए, बाद में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने डिटेल्स के लिए। तो अब यहाँ से आप पेमेंट कर, लास्ट स्टेप है पेमेंट का, और ये फॉर्म मैंने अपने सारे फिल कर लिए हैं, तो अब मैं इसे पेमेंट करूँगी फॉर्म का। तो अब यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपका पेमेंट आ जाएगा, डिटेल कि आपका कितना पेमेंट करना है। तो मैंने फीमेल कैटेगरी में डाला हुआ है, तो मुझे 75 रुपीज़ पेमेंट करने हैं। बॉयज़ के लिए 150 है शायद। और उसके बाद अब यहाँ से ओके करने के बाद ये आया है कि आपको मेथड दिया गया है कौन से मेथड से पेमेंट करना है, तो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट, और जिसमें मैंने चूज़ किया है PNB बैंक। तो अब यहाँ से आप प्रोसेस कर लें पेमेंट के लिए। सर्वर बहुत स्लो चल रहा था, तो मुझे पेमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, बट फाइनली हो गया है पेमेंट। आप प्रोसेस देख सकते हैं। डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने पर 0 चार्जेस हैं। अब यहाँ से मैंने अपना पेमेंट कर दिया है, अब यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं हम पेमेंट का। तो ये मैंने रिसिप्ट सेव कर लिया है। आप यहाँ से डैशबोर्ड पे देख के चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट हो गया है या नहीं हुआ है, या फेल पेमेंट है। मैंने कई बार ट्राई किया है सर्वर इश्यू की वजह से, तो मेरा बहुत पेमेंट फेल हुआ है, बाद में फाइनली हो गया। तो जिसका डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं।